नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, कल जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था परसों, उसमें मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही आपको एसएससी जीडी का ऑफिशियली डाटा मिल जाएगा कि कुल कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। और अब आपका एसएससी जीडी और आरपीएफ दोनों का ऑफिशियली डाटा है वो जारी कर दिया गया है। आरपीएफ कॉन्स्टेबल के बारे में भी बात करेंगे, आरपीएफ एसआई के बारे में बात करेंगे और एसएससी जीडी के बारे में भी बात करने वाले हैं। और देखिए, ये क्या है, ऑफिशियली डाटा है। पहले मैंने जो आपको बताया था वो एक्सपेक्टेड था, एसएससी जीडी का जिसके बारे में हमने बात की थी, अभी ऑफिशियली आ गया है। और कंपटीशन है वो काफी ज्यादा रहने वाला है भाई, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा, सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई है, जो स्टूडेंट अच्छी मेहनत करेगा, बहुत अच्छे से मेहनत करेगा, वही सिलेक्शन ले पाएगा। कंपटीशन है वो हमेशा बढ़ रहा है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आरपीएफ के बारे में, ठीक है जी। आरपीएफ का ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, आप देख सकते हो 21/10 को ये आया हुआ रिप्लाई है आपका, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले तो आरपीएफ एसआई के बारे में बोला गया है, आरपीएफ एसआई के इसके बारे में बताया है कि 1,538,060 फॉर्म भरे गए हैं। कितने, 1,538,000, यानी 1,500,000 प्लस फॉर्म है वो आपको देखने के लिए मिले हैं। और ये किसके लिए है, आरपीएफ एसआई के लिए फॉरम की बात हो रही है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में यहां पर बात हो रही है, जो आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। अलग अलग भी बताया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 2,87,000 है, सॉरी हाँ 2,87,000 है। ओबीसी के लिए क्या हो गया, 6,00,000 हो गया। एससी के लिए हो गया 4,00,000 के आसपास है। एसटी के लिए हो गया 1,42,000 और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 1,00,000 फॉर्म है वो भरे गए हैं। ये आरपीएफ एसआई के लिए टोटल फॉर्म भरे गए। अब कॉन्स्टेबल के बारे में बात करें, आरपीएफ कॉन्स्टेबल के बारे में, तो उन्होंने आरटीआई के रिप्लाई में ये जवाब दिया है कि अभी उनकी जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है, मतलब अभी काउंट नहीं किए गए हैं कि कुल कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो जब ये पता चल जाएगा तब आपको आरपीएफ कॉन्स्टेबल के बारे में भी बता दिया जाएगा, अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम पहले होने वाला है और कॉन्स्टेबल का एग्जाम है वो बाद में जाके होगा, आपका जनवरी में होने वाला है, ठीक है। आरपीएफ कॉन्स्टेबल वाला जनवरी में होगा, अगली साल होगा, तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी एसआई के लिए 1,500,000 प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के लिए, तो एसएससी जीडी के बारे में बता दिया गया है कि एसएससी जीडी जो कॉन्स्टेबल जीडी का एग्जाम था आपका 2025 वाला, उसके लिए जो फॉर्म भरे गए हैं वो आपके 52,00,000 प्लस फॉर्म भरे गए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 52,00,000 प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है, 52,00,000 प्लस स्टूडेंट ने, ठीक है जी। ये आंकड़ा अब ऑफिशियली जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है कि 52,69,500 स्टूडेंट ने फॉरम अप्लाई किया है, लगभग 53,00,000 के आसपास ही पहुंच गया है ये, 52,30 मान लो, 53 मान लो, लेकिन समझ रहे हो आप। तो इतने फॉरम है वो भरे गए हैं, तो जो संख्या लग रही थी कि कम होने वाली है, इस बार कम नहीं हुई है, बिल्कुल वही रही है, संख्या में बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। मैं आपको एक आंकड़ा और दिखा देता हूं, यहां पर अगर हम एसएससी जीडी की ही बात कर रहे हैं तो एसएससी जीडी का एक आंकड़ा और है मेरे पास, एक सेकंड दीजिए, आपको यहीं पे दिख जाएगा हमें, ठीक है, वो यहीं पे अवेलेबल है, दिख जाना चाहिए, ये वाला आंकड़ा, ये वाला आंकड़ा है, ये आप देख लीजिए, ठीक है, इसमें सब कुछ यहां पर डिटेल से है। एक सेकेंड, इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सही से दिख जाए आपको, हो जा भाई, ठीक है। हाँ, तो ये है आपके, जिसमें 2021 में 71,00,000 फॉर्म थे और लगभग 40,00,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया था, 2022 वाले में 53,00,000 फॉर्म थे, 35,00,000 प्लस स्टूडेंट ने पेपर दिया था, और 2024 में जो अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें 47,00,000 स्टूडेंट ने फॉरम अप्लाई किया था और 30,00,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, 30,00,000 प्लस ने। इस बार 2024 की तुलना में इस बार ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसमें क्यों था, क्योंकि भाई उस समय यूपी पुलिस की वैकेंसी भी निकली हुई थी, तो यूपी वाले स्टूडेंट कम फॉरम भरे थे, इस बार वो वैकेंसी नहीं है तो ज्यादा फॉरम भरे गए हैं, और इस बार हर जगह पे वैकेंसी निकली हुई है तो ज्यादा स्टूडेंट एक्टिव देखने के लिए मिले हैं, तो यहां पर संख्या है वो बढ़ी है। ये पिछला आंकड़ा था जो मैंने आपको दिखाया है,
लगभग इसके हिसाब से 30 लाख स्टूडेंट था, इस बार 50 के आसपास है, तो आप मान के चलो कि लगभग 35 लाख स्टूडेंट हैं वो पेपर देने वाले हैं। लगभग जो आपका आंकड़ा रहेगा ना पेपर देने वालों का, वो 35 लाख प्लस ही रहेगा, ठीक है, इसके आसपास रहेगा। तो ये इतने स्टूडेंट है वो पेपर देने वाले हैं। तो अब आप खुद देख लो कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, 35 लाख है, आरपीएफ एसआई में भी 15 लाख प्लस स्टूडेंट है। तो अगर आप अब मेहनत नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इस बात को आप गांठ बांध लेना, ठीक है। चलो बस ये छोटी सी अपडेट आपको देनी थी ताकि आपको ऑफिशियली डाटा मिल जाए, जो आपको कंफ्यूजन चल रहा था वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ भेज देना ताकि उनको भी पता चल सके। थैंक यू।